हाय फ्रेंड्स, आज आम बन समस्त पसंद बेसन आलू तरकारी। या मुझ बिना पिज रसुण में बनई रेसीपी को अन्य मानक सहित सेयार करी से शिखातु आसत स्वाधीनता दिवस स्पेशल तिरंगा थाली बनवा आम तेज चलतु। किंतु ता पूर्व आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। सब्सक्राइब कलापर सैड्रे बेल आइकन को नुआ रेसीपी पे क्लिक करूँ। बेसन तरकारी प्रथम गोटे कड़े गोटे कप पा ने एबे से पानी रे स्वाद हिसाब रे अल्प टिके लुण, स्वाद हिसाब रे अल्प टिके लाल मिर्च पाउडर पकांतु। एबे से थिरे मु आधा चम्मच जुआणी या फिर अजवाइन पकेबा, ये गोटे बढ़िया टेस्ट दबो या बासना भी भले आसीबो। एबे आमे पानी को भल भाव रे फुटिया पई दबा। पानी भल भाव रे बॉईल हेला पोरे एबे से थिरे अल्प टिके हल्दी पाउडर पकेबा। हल्दी पाउडर एथरे बढ़िया कलर दबो। भल भाव मिसेला परे एबे सेथिरे गोटे कप पानी हिसाब रे मोठारे गोटे कप बेसन को पानी रे पकई ताको बराबर कंटिन्यूअसली चलेई रहंतु, नले एथिरे लम्प्स पड़ी जिवो। बेसन को बराबर मीडियम फ्लेम रे भलसना चलेई रहंतु। ये देखंतु बराबर चलेला परे बेसन रे धीरे धीरे गाढ़ा होगलाणी। गैस को भी आम बंद कर नबा। एबे गोटे थाली रे आम अल्प टिके तेल लगे नबा। तेल लगेला परे एबे सेथिरे बेसन मिक्सचर को रखि ताको आम स्क्वायर शेप करिबा। आकु आपण गोटे इंच मोटा रखंतु। एतरे बढ़िया बेसन रो पीस हेकि बाहरिबो। ए बेसन को आम एबे ठंडा हबा को दबा। आपण पाखरे कम समय थिले आकु आपण फ्रिज रे रखिकि भी ठंडा करि परिबे। मसला रे मोठारे गोटे बड़ टमाटर चॉप करिकि रखिछि, ता सहित गोटे इंच अदा को भल भाबरे धोइकि काटिकि रखिछि, ता सहित दुईटा काजू बादाम नेछि। एठारे मु गोटे बड़ चम्मच कसूरी मेथी नेछि, अल्प किछि लाल मिर्च पाउडर, हळदी पाउडर, स्वाद हिसाब रे लुण, ता सहित एठारे डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर दरकार आमको, आधा चम्मच गरम मसला पाउडर, ता सहित दुई रु तीन बड़ चम्मच दही आ गोटे बड़ चम्मच बेसन दरकार, ता सहित अल्प किछि गोटा जीरा, अल्प टिके गोटा जुआणी या फिर अजवाइन, दुईटा तेजपत्र आ दुईटा गोटा गुजराती दरकार आमको। एबे प्रथमे गोटे ब्लेंडर रे कटा हेथिबा टमाटर, कटा हेथिबा अदा, दुईटा काजू, दुईटा गुजराती आ ता सहित अल्प टिके गोटा जीरा पकाई यार गोटे आमे पेस्ट बनई नबा। देखंतु एबे टमाटो पेस्ट बनिकि रेडी अछि। एपटे दुई रु तीनोटी आलू को मु भल भाव काटिकि धोइकि रखिछि आ 5 रु 10 मिनिट फ्रिज रे रखिला परे बेसन हम भल भाव सेट हो जाइछि। एबे ताको आमे स्क्वायर शेप रे कट करि नबा। आपण आपणक दरकार मुताबक साइज रे काटि नियंतु। ये देखंतु बेसन केते बढ़िया भाव सेट होइछि। बेसन तरकारी ग्रेवी पे दुई तीन बड़ चम्मच दही रे एबे गोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, आपण आपण को स्वाद हिसाब रे सब नियंतु, अल्प टिके हल्दी पाउडर, ए सब जिनस को प्रथम मिक्स करि नबा। एबे सेथिरे गोटे बड़ चम्मच बेसन पकेबा। ए दही और बेसन रो मिक्सचर एबे बनिकाबर रेडी अछि। एबे प्रथमे गोटे कड़ई रे बेसन आउ आलू छाणिया पे तेल गरम करिबा। तेल जते बेले भल भाव गरम हो बेसन रो पीस को पकाई मीडियम फ्लेम रे गोल्डन कलर हेला पर्यंत ताको आमे फ्राई कर नबा। बेसन एबे गोटे पटे साइड रु टिके फ्राई हो गलाणी, ताको एबे फ्लिप करी आर पटे साइड रु भी फ्राई कर नबा। एबे देखंतु बेसन बढ़िया गोल्डन कलर हो गलाणी, ताको गोटे प्लेट रे आमे छाणी की काढ़ी नबा। बेसन हेला परे एबे सेही तेल रे कटा हेतिबा आलू पकाई मीडियम फ्लेम रे आलू को भी गोल्डन कलर हेला पर्यंत फ्राई कर नबा। ये देखंतु आलू भी आमर फ्राई हो गलाणी, ताको आमे एबे गोटे प्लेट रे काढ़ी नबा। एबे सेही गरम तेल रे प्रथमे दुईटा तेजपत्र पकेबा। एबे सेथिरे गोटे चम्मच गोटा जीरा पकेबा। टिके भाजी हेगला परे
टमाटो काजू आउ गुजराती जो पेस्ट बनी थिले ताकु पकाई एबे आमे ताकु टिके समय पे कुक करिबा। टमाटो पेस्ट को एबे कभर करी मीडियम फ्लेम रे 2 रु 3 मिनिट पर्यंत आमे ताकु भल भाव कषि नबा। 2 रु 3 मिनिट पर ये देखंतु टमाटो भल भाव कषि हेगलाणी। एबे सेथिरे दही रो जो मिक्सचर बनी थिले ताकु पकेबा। दही रो मिक्सचर पकेला बेले गैस रो फ्लेम को सबले लो रखंतु, नहले आमर दही फाटी जिबो या फिर छिड़ी जिबो। दही पकेला परे आकु बराबर चलई रुहंतु, दही जेमती मसला सहित भल भाव मिक्स हो जिबो। एबे सेथिरे गोटे रु 1.5 कप पानी दबा, आपण आपण को दरकार मुताबक दियंतु। भल भाव मिक्स हला परे एबे सेथिरे स्वाद हिसाब रे अल्प टिके लुण, एबे सेथिरे गोटे बड़ चम्मच कसूरी मेथी को भल भाव गुंड करी पकांतु। ये ग्रेवी रे गोटे बढ़िया टेस्ट दबो, यार बासना भी बढ़िया लगे। एबे आकु कभर करी 5 रु 7 मिनिट लो फ्लेम रे कुक करिबा। 5 रु 7 मिनिट पर ये देखंतु ग्रेवी एबे बढ़िया भाव फुटी गलानी। एबे सेथिरे प्रथम रु फ्राई करके रखिथिबा आलू पकेबा। एबे कभर करी आलू को सिझे पे दबा। 5 मिनिट पर ये देखंतु आलू एबे बढ़िया भाव सॉफ्ट हो गलानी। ये देखंतु चेक करके आप देखिपारे आलू जितने बढ़िया भाव सॉफ्ट हो फ्राई करके रखि बेसन पकेबा। बेसन पानी को बढ़िया सोक करनी, से आप चाहिए आउ टे पानी भी ऐड करें। एबे ये बेसन को कभर करी ताकु आमे 5 रु 7 मिनिट पर्यंत तो लो फ्लेम रे कुक हाँ को दबा। 5 रु 7 मिनिट पर एबे सेथिरे गोटे चम्मच गरम मसला पाउडर पकेबा। आ गरम मसला पाउडर पकेला परे आमे गैस को बंद करिनबा। एबे आमर बेसन आलू तरकारी बनिकि पूरा पूरी रेडी अछि। बेसन आलू तरकारी रु कसूरी मेथी आ सब मसलार गोटे बढ़िया बासना आछि। एबे उपरे अल्प किछि कटा हेतिबा धनिया पत्र पकेबा। बेसन तरकारी रेडी हेला परे ता सहित आमे तिरंगा थाली बनेबा, सेति पई मोठारे पाळंग भजा बनेबी। प्रथमे गोटे कढ़ई रे अल्प टिके बटर गरम करिबा। बटर जेमती जली बनी सेति पई ता उपरे गोटे चम्मच तेल पकेबा। एबे सेथिरे 2टा सुखिला लंका को छिड़े की पकेबा। एबे सेथिरे गोटे बड़ चम्मच सोरिष दाना पकेबा। ए पाळंगरे आपण बटर यूज करंतु, तार टेस्ट बहुत अलगा आसीबो। ये भल भाव फुटिया पई दबा। भल भाव फुटिला परे एबे मु एठारे प्रथम रु धोईकी काटिकी पाळंग पत्र रखिछि ताकु आमे पकेइ दबा। एबे आमे आकु घोड़े किना 5 मिनिट पर्यंत जेमती पाळंग पत्र सिझिजिव से वेट करिबा। 5 मिनिट पर ये देखंतु पाळंग भल भाव सिझिकी नरम हो गलाणी, ताकु बे बढ़िया भाव मिक्स करिनबा। एबे सेथिरे उपरु कटा हेइथिबा 2टा कंचा लंका पकेइबा। आउ स्वाद हिसाब रे अल्प टिके लुण पकेबा। आपण सबळे मन रखंतु साग बनेला बेले प्रथम केबे लुण पकांतुनी, साग सिची गला परे सेथिरे लुण पकेबा। लुण पकेला परे आकु आमे 5 रु 6 मिनिट पर्यंत एमती खोला रे भाजी नबा। एबे आमर बटर लगा हेइथिबा पाळंग भजा बनिकी रेडी अछि। चलंतु एबे तिरंगा थाळी सजे पई मु एठारे प्रथम रु भात बनिकी रखछि। ए भात को गोटे कप रे एमती भल भाबरे चापिकी मझिरे गोटे प्लेट रे एमती सर्व करंतु। ये भात आमर व्हाइट कलर रा चारिपटे एबे आमे बेसन तरकारी लगेबा। बेसन तरकारी रा ग्रेवी बढ़िया भाव में गोल करके लगातु। ये देखंतु केते बढ़िया ऑरेंज कलर आसची। एबे ता उपरे बटर रे बना हेतिबा पाळंग पत्र भजा लगेबा। ये पाळंग पत्र भजा बिना पियाज रसुन रे हेची, आपण चाहिले अलग बेले बनेकी भी खाई परिबे। ता उपरे सुखिला लंका दबा। एबे सेथिरे गोटे गोटे बेसन पीस रखिबा। ये देखंतु ग्रीन व्हाइट आउ ऑरेंज कलर रो स्पेशल तिरंगा थाली बनिके रेडी अछि। आपण आकु घरे स्वाधीनता दिवस रे निश्चय बनांतु। बेसन तरकारी बहुत ही टेस्टी बनिछि। आ भात आउ पाळंग साग सहित ये बहुत बढ़िया लागुछि। आपण भी एमती सर्व करंतु। आ एई रेसिपी आउ थाली आपणकु केमती लागिला वीडियो तळे लाइक कमेंट आउ शेयर करंतु। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।